नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जब से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती हैं, राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब हाथरस कांड हुआ, मौत वाला सत्संग हुआ, तो राहुल गांधी हाथरस ही पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंच गए। हालांकि इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यूपी में एक्टिव होकर अखिलेश यादव को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी जब हाथरस पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की, उन्हें गले लगाया, लेकिन इस दौरान वो योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए नजर नहीं आए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि पीड़ितों से सब्र कीजिए, हम आपको मुआवजा दिलाने की मांग करेंगे, सरकार से हम आपके बेहतरी के लिए मांग करेंगे। तो अभिषेक, जिस तरीके से राहुल गांधी यूपी में एक्टिव नजर आ रहे हैं और तमाम जगहों पर जिस तरीके से वो मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने योगी सरकार को नहीं घेरने की कोशिश की और अखिलेश यादव को दबाते हुए वो हाथरस सबसे पहले पहुंच गए, तो ये उनकी जो एक्टिवनेस है वो कुछ बयां कर रही है। इस पर भी मैं आऊंगा शबनम, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दर्शकों को कि राहुल गांधी ने एक दोगली बात यहां कही है कि ये मामला ऐसा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, गरीबों को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा मुआवजा होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि इस बात को वो संसद में उठाएंगे। अगर इस बात को वो संसद में उठाएंगे शबनम, तो आप बताइए कि इस मामले पर राजनीति क्यों नहीं होगी। बिल्कुल। अब जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे इस चीज का कि सरकार ने राहत बचाव कार्य चलाया, सरकार अब जो है कानूनी शिकंजे में आरोपी को कसने की कोशिश कर रही है और उसे ढूंढने की भी लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिर बाबा है कहां, उसके आश्रमों पर के जो है उसके जो ठिकाने हैं उन पर भी तलाश जारी है कि बाबा को पकड़ा जा सके, जो आरोपी है उन्हें पकड़ा जा सके। लेकिन राहुल गांधी की बात समझ नहीं आई। एक तरफ कहते हैं कि मामला राजनीति करने लायक नहीं है, लोगों ने अपनों को खोया है, लोगों का पर्सनल नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ कहते हैं कि इस बात को संसद में उठाएंगे, तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। आपको आई होगी तो बताइएगा। अब जैसे कि आपने कहा कि राहुल गांधी चाहते क्या हैं, पहला पॉइंट जो आपने बताया कि राहुल गांधी का अखिलेश यादव को धोखा देना चाहते हैं, और दूसरा पॉइंट शबनम, उपचुनाव उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले हैं, 9 सीटों से जो है विधायक चुनकर सांसद पहुंचे हैं और एक विधायक को जेल हुई है, जिस वजह से 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी चुनाव की बात करिए तो इस बीच एक खबर दर्शकों को बता देते हैं, उपचुनाव 10 सीटों पर होने वाले हैं, तो कांग्रेस अपने लिए सीटों की मांग कर रही है कि उसे 3 से 4 पश्चिम यूपी साइड की सीटें दे दी जाएं, लेकिन अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि वो 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़े, तो ऐसे में आने वाले समय में दोनों के बीच खटास बढ़ सकती है। और इसी का संदेश कहीं राहुल गांधी देने के लिए तो नहीं हाथरस सबसे पहले पहुंच गए? देखिए, सबसे पहले अखिलेश यादव की अगर बात बताऊं तो 37 सीटें जीती हैं और 37 सीटें जीतकर वो जीत के घोड़े पर इस तरीके से सवार हैं कि कांग्रेस पार्टी को वो उत्तर प्रदेश में तो कुछ मान नहीं रहे। हालांकि संसद में अखिलेश यादव के साथ ही फ्रंट रो में जरूर बैठे थे राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद, अखिलेश यादव, लेकिन जब चुनाव आता है तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। चुनाव के दौरान यूपी का विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ थे, बिल्कुल, वहां उस दौरान उन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। उसके बाद कुछ पंचायत के चुनाव या निगम के चुनाव वहां हुए तो सरधना एक सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, गुजर हैं, उनकी जो है पत्नी को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया गया, जबकि उस सीट पर जयंत चौधरी भी चाहते थे कि उनका जो है कैंडिडेट वहां चुनाव लड़े। इस छोटी सी बात के ऊपर दोनों में टकराव हुआ और उस टकराव के बाद स्थिति देखिए आज क्या है कि जयंत चौधरी आज बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ आ चुके हैं। तो राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है, योगी आदित्यनाथ का भी आपने जिक्र किया, उसे सुनवाने के लिए अपने दर्शकों को सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है, आप देखिए। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूं, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए जी, जी, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पेंसेशन ज्यादा से ज्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पर ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया,
उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर। तो शबनम, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो है वहां घायलों से मिले, परिवार वालों से मिले, और योगी आदित्यनाथ के लिए जो बयान दिया उन्होंने, अब आप देखिए ये वही विपक्षी नेता है जो कहते थे कि 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, और आज योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में हाथरस में राहुल गांधी, जो पहला हादसा हुआ था उसमें भी राहुल गांधी आ चुके हैं और अब फिर हाथरस में पहुंचे हैं। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नहीं दिखाई दिया राहुल गांधी जी। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे अभिषेक बाबा के साथ अखिलेश को जोड़ा जा रहा था, कहा जा रहा था एक तस्वीर वायरल हुई है कि बाबा के जो कनेक्शन है वो अखिलेश यादव से काफी करीबी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस मुद्दे पर घिरते नजर आ रहे थे। हालांकि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को बराबर घेरने की कोशिश की, वो लगातार तंज कस रहे थे, सवाल सरकार पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि वो ब्रजेश पाठक अब योगी आदित्यनाथ को हटाकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और अखिलेश यादव को हो सकता है उन्होंने बचाने की कोशिश भी की हो, लेकिन उनका जो एकदम से हाथरस पहुंच जाना, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना, अलीगढ़ पहुंच जाना, वहां के भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना, ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस ने फिर से अपनी जड़ें जमाना मजबूत कर दिया है और यूपी में राहुल गांधी चाहते हैं कि जो उनकी 6 सीटें आई हैं वो अब विधानसभा में उपचुनाव में और अच्छा काम कर पाए और वो सपा को भी मात दे पाए। बिल्कुल, यहां एक चीज और जोड़ दूं मैं, राहुल गांधी हाथरस पहुंच चुके हैं लेकिन अखिलेश यादव शबनम नहीं पहुंचे हैं। अखिलेश यादव हाथरस नहीं पहुंचे हैं, अब उसका कारण क्या है? क्या बाबा से नजदीकी है और वहां जाएंगे तो लोग अखिलेश यादव पर बरस पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे, इस वजह से नहीं जा रहे हैं? और अगर इसी वजह से नहीं जा रहे हैं तो क्या अखिलेश यादव की राजनीति यहां कमजोर होगी? बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि अखिलेश की राजनीति पर प्रभाव इस चीज का पड़ने वाला है कि बाबा अखिलेश यादव के करीबी हैं और अखिलेश यादव हाथरस नहीं पहुंचे हैं, इसी मौके का फायदा उठाया है राहुल गांधी ने और जमीन पर पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात की है और कहीं ना कहीं सपा समाजवादी पार्टी ने इस बाबा के जरिए, इस पाखंडी बाबा के जरिए जो जमीन तैयार की थी इस हाथरस में या इसके आसपास के इलाके में, उसे वो ओवरलैप करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है शबनम कि उस जमीन को अब राहुल गांधी हथिया लेना चाहते हैं। तो अब जिस तरीके से राहुल गांधी हाथरस पहुंचे और अखिलेश यादव ने हाथरस से दूरी बनाई है तो सपा इस मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में है और वहां ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, वहां बाबा के सेवादारों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जल्द ही बाबा तक भी पुलिस पहुंच जाएगी। तो अखिलेश यादव पर अब लोगों ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है? तमाम मुद्दों पर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, कमेंट कर जरूर बताएं।